नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल देव MTR में। तो दोस्तों, ये है सेवरले बीट और इसको अगर मैं पेट्रोल में चला रहा हूँ तो इसमें जो है मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो इस मिसिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इसके चारों स्पार्क प्लग चेंज करवा रहा हूँ। तो ये चार स्पार्क प्लग हैं चैम्पियन कंपनी के, जिनकी कीमत तकरीबन 300 रुपये है और एक तकरीबन 86 का आता है। तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो इस वीडियो में, जो है मिस्त्री अभी गाड़ी के जो स्पार्क प्लग हैं उनको खोलने में लगा हुआ है। तो इस गाड़ी की जो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग है और स्पार्क प्लग को खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके ऊपर जो ब्लैक कलर का बॉक्स रखा हुआ है, उसके ऊपर जो CNG के इंजेक्टर लगे हुए हैं, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जिनको हम हटा नहीं सकते। लेकिन स्पार्क प्लग इस बॉक्स के नीचे दे रखे हैं, जिसको निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जहाँ तक है निकल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मोस्टली हुंडई की और मारुति की जो गाड़ियों में जो स्पार्क प्लग होते हैं वो इंजन के ऊपर ही होते हैं, जिनको आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन फाइनली इसकी जो प्लेट है वो निकल चुकी है, जिसमें 4 बोल्ट कसे होते हैं। तो दोस्तों, इस गाड़ी के स्पार्क प्लग में इसलिए चेंज करा रहा हूँ क्योंकि ये CNG में भी और पेट्रोल में भी मिसिंग कर रही थी। तो CNG की मैंने सेटिंग कराई थी, फिर भी ये पेट्रोल में मिसिंग कर रही थी। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर स्पार्क प्लग जल जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो उसको चेंज कराना ज़रूर पड़ता है, क्योंकि उनको फ्यूल या जो करंट होता है वो उनको प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता है इंजन में। तो फाइनली अभी मिस्त्री खोल रहा है इस गाड़ी को। अगर इसके स्पार्क प्लग चेंज हो जाएंगे तो ये गाड़ी पेट्रोल में मिसिंग करना बंद कर देगी। दोस्तों, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। जैसा कि आप देख सकते हो, इंजन के नीचे यू बहुत थोड़ा सा मुश्किल है इसको निकालना। तो सारे इक्विपमेंट इसने मिस्त्री ने निकाल दिए हैं और इसके बाद मिस्त्री जो है अभी खोलने में लगा हुआ है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, उसको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। उसने 100 रुपये लिए थे मुझे इस चीज़ को खोलने के लिए, स्पार्क प्लग चेंज करने के लिए, लेकिन उसको डबल मेहनत करनी पड़ गई उस वजह से। तो जैसा कि आप देख सकते हो, चारों स्पार्क प्लग निकल चुके हैं इस गाड़ी के, जो कि जल गए हैं, ब्लैक पड़ गए हैं। ये दूसरा भी आप देख सकते हो, ये भी ब्लैक पड़ गया है, ख़राब हो गया ऑलमोस्ट। ये तीसरा जो आप देख रहे हो, इस पर जो है ऑयल आ गया है। इसका मतलब कि ये गाड़ी जो है रिंग और जो पिस्टन की तरफ से बाहर से ऑयल आ रहा है, जिसकी वजह से ये स्पार्क प्लग ख़राब हो गए हैं। तो थोड़ी सी इंजन में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसके जो है स्पार्क प्लग डाल दिए गए हैं और मैं इसमें गाड़ी में सेल्फ लगा रहा हूँ, तो इसके बाद डालने के बाद क्या परफॉर्मेंस देती है। जैसा कि आप देख सकते हो, चारों स्पार्क प्लग इसके निकाल दिए गए हैं गाड़ी के। मुझे लगता है कि जिसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसके जो स्पार्क प्लग हैं वो ख़राब निकले। एक स्पार्क प्लग में ऑयल दे रहा है, इसका मतलब कि जो जिस जगह पर जो स्पार्क प्लग लगा हुआ है दूसरे वाले खाने में, उस अंदर की साइड से रिंग और पिस्टन की साइड से ऑयल फेंक रही गाड़ी। इसका मतलब कि इंजन थोड़ा सा वीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, फाइनली मिस्त्री जो है सारे जो पार्ट्स होते हैं उसको कस रहा है, और इसके बाद मैं दोबारा से इस गाड़ी में सेल्फ लगा के देखता हूँ कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो फाइनली मैंने सेल्फ लगा दिया है गाड़ी में। अभी आप देख सकते हो, आगे की तरफ मैं जा रहा हूँ और गाड़ी का जो साउंड भी सुन सकते हो। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम थी वो मोस्टली पेट्रोल में जो मिसिंग कर रही थी, अब मैंने इसको एक्सीलेटर दिया है कार्बोरेटर से। जैसा कि आप देख सकते हो, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है पेट्रोल में। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है जो अब वो CNG का थोड़ी सी मिसिंग करेगी? क्यों करेगी? क्योंकि ये पेट्रोल पर तो सेट हो चुकी है, पेट्रोल में तो इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि CNG वाले के पास जाना है, और जो CNG का जो डायरेक्टर है वो जो भी है वो कंप्यूटर से हो या लैपटॉप से अपनी सेटिंग कर देगा। पेट्रोल पे यहाँ से कर दो, ये तुम्हारी अब पेट्रोल है, आप सेट हो पेट्रोल पे ही हो चुकी है ना। पेट्रोल से सेल भी मारते हैं इस गाड़ी में, बिल्कुल डायरेक्ट ये होता है ना सेल, सेल नहीं रहता। गाड़ी जो है पेट्रोल पे जो मिसिंग आ रही थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब अगर इस टाइप की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस चीज़ से आप सही करा सकते हो, ठीक है। तो दोबारा मैं देख लेता हूँ, एक बार CNG पे लगा कर और एक बार पेट्रोल पे लगा कर। मैंने एक्सीलेटर दे दिया है, गाड़ी फुल एक्सीलेटर मांग रही है, बिल्कुल भी चैकिंग नहीं आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना, और बाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सो थैंक यू गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।